वक्त बहुत अजीब शय होती है, कब किसके दिन फिर जाएं तो किसके दिन बदल जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी समय अलग अलग इम्तिहान ले रहा है। पिछले साल राहुल की सांसदी ही छिन गई थी, सिर्फ सांसदी ही नहीं बल्कि दिल्ली में मौजूद उनका लकी बंगला भी छीन लिया गया था। 12 तुगलक लेन का वो बंगला जहां राहुल साल 2005 से सांसद बनने के बाद रहा करते थे। हालांकि बाद में राहुल की सांसदी भी बहाल हो गई और बंगला भी वापस मिल गया, लेकिन तब राहुल ने कहा कि सारा हिंदुस्तान उनका घर है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। और उनकी ये बात साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साबित भी हो गई। कांग्रेस ने देश भर में 99 सीटें जीती तो राहुल दो दो जगह से सांसद बन गए। और तो और अब राहुल नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, यानी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, साथ ही मिलेगा सरकारी बंगला। साफ है कि राहुल गांधी को ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब दिल्ली के लुटियंस जोन में राहुल एक नए सरकारी आवास में रहेंगे, जहां 4 सर्वेंट क्वार्टर्स, 2 गैराज हैं तो आगे पीछे बड़ा हरा भरा लॉन और लॉन के किनारे लगे ढेरों पेड़ उन्हें सियासत की गर्म हवा के बीच ताजी और ठंडी हवा का सुख देंगे। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सरकारी खर्चे पर अपने बंगले को न्यारा बंगला भी बना सकेंगे, लेकिन चूंकि राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा तो ये जान लेते हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को किस लेवल के बंगले अलॉट होते हैं। केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स को टाइप 8 का बंगला अलॉट होता है। इन बंगलों का एरिया 8,250 स्क्वायर फीट का होता है। लंबे चौड़े बंगले में 4 दीवारी के भीतर सफेद रंग का एक बड़ा सा आवास होता है। इसमें बड़ा सा दालान, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम के साथ साथ कम से कम 4 बाथरूम होते हैं। कुल मिलाकर इस आवास में 7 बड़े हवादार कमरे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक ड्राइववे भी होता है जिसमें सांसद की कार सीधे आती है। 2 गैराज होते हैं तो साथ ही उस बंगले के साथ एक सरकारी गाड़ी और एक ड्राइवर भी मिलता है। इसके अलावा इस बंगले में सर्वेंट्स के लिए 4 क्वार्टर्स होते हैं। मुख्य आवास के आगे और पीछे बड़ा सा हरा भरा लॉन होता है जहां बहुत से समारोह या कार्यक्रम या मीटिंग कराए जा सकते हैं। इस तरह के आवास केंद्रीय मंत्रियों के अलावा तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी अलॉट होते हैं। अगर दिल्ली में ऐसे बंगलों की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो एक बंगले का मूल्य 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। अब बात कर लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को कितनी सैलरी मिलेगी। तो नेता प्रतिपक्ष को प्रति माह 3,30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 1,000 का सत्कार भत्ता दिया जाता है। इनको 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष को सांसद का वेतन और भत्ता नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है। हालांकि राहुल के लिए लंबे चौड़े बंगले बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जब बचपन से ही कभी दादी इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री आवास देखा तो कभी पिता का पीएम हाउस। उनकी माँ सोनिया गांधी भी बड़े सरकारी आवास में रहती हैं। लेकिन राहुल को खुद का इतना बड़ा सरकारी आवास नेता प्रतिपक्ष बनने की वजह से मिल रहा है, जिसकी अपनी खासियत और अहमियत है, क्योंकि पिछले 10 सालों में लोकसभा में पहली बार किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिला है। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास हर सरकारी सुविधा का अधिकार है।